रिशु। तो रिशु देख रहा है अभी अपना टीवी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और मजे में होंगे। तो आज घर पे कोई है नहीं क्योंकि मम्मी पापा गए हुए हैं गांव। और मैं सोच रहा था कि बहुत दिनों से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि भैया आप अपना हाउस टूर कराइए, तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आप लोगों को अपना घर का टूर। थोड़ी सी लाइटिंग कम रहती है घर पे, तो मैं ज़्यादातर अपने कमरे में शूट करता हूँ इस वाले में। और चलिए डिटेल हाउस टूर दिखाता हूँ आप लोगों को। वैसे घर मेरा 2 BHK है। 2 BHK बोले तो 2 बेडरूम, हॉल, किचन और 1 स्टोर है पीछे, डबल स्टोरी है। सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पे भी एक कमरा है, वहाँ पे कोई रहता नहीं है। ऊपर वाले फ्लोर पे मेरे भाई की फैमिली रहती है। पूरा हाउस टूर दिखाने के लिए चलते हैं बाहर। बाहर से शुरू करते हैं। तो बाहर से घर मेरा कुछ ऐसा लगता है, डबल स्टोरी है, ऊपर मेरे भाई की फैमिली रहती है जैसा मैं बता चुका हूँ। और ये सामने एडिलीम्स के पेड़ लगे हुए हैं और ये लगभग 15 साल पुराने हैं, काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और ये सामने झूला लगा हुआ है। रिशु लाइट नहीं खोलो। हाँ लाइट। ऊपर जितने भी पेड़ लगे हुए हैं ये सब एडिलीम के हैं और इस समय काफ़ी फूल आ रखे हैं इस सम पे। इधर भी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब सारे एडिलियम पे फूल आते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है वो। चलिए और दिखाता हूँ मैं। तो ये जीना ऊपर जाता है और यही जीना नीचे भी आता है, कमाल है। और चलिए अंदर चलते हैं। तो अंदर आ चुका हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको। तो ये है, जैसे एंटर करते हैं वैसे ही ये है डाइनिंग टेबल और ये है किचन। डाइनिंग टेबल से लगी हुई, तो जैसे कोई आता है तो उसको खाना वाना खिला के तुरंत निकाल देते हैं। और ये है मेरा ड्राइंग रूम। तो इस ड्राइंग रूम से ही लगा हुआ है ये वाला कमरा, मेरे फादर का है। ये कमरा मेरा है और ये बाथरूम है। मैं इस ड्राइंग रूम में ज़्यादातर रिकॉर्ड नहीं करता हूँ क्योंकि इस ड्राइंग रूम में लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। सामने लाइट नहीं है, इस तरफ हमेशा बैक साइड में रहती है, तो फिर शूट नहीं हो पाता सही से। और ज़्यादातर मैं रिकॉर्ड करता हूँ अपने कमरे में इस वाले में। क्योंकि लाइट मेरे कमरे में बहुत है, लाइट का मैंने पूरा इंतज़ाम करके रखा हुआ है, चारों तरफ लाइट ही लाइट है। साथ ही ये मेरा कमरा, ये है रिशु का डायनासोर, ये है रिशु की टेबल, ये है टीवी, यहाँ पे मैं फिक्स कर देता हूँ अपना लैपटॉप जो चलता रहता है। इसके अलावा बेड तो मेरा देखा ही होगा आप लोगों ने कई बार। ये है रिशु की मम्मी की फ़ोटो, ये भी है रिशु की मम्मी की फ़ोटो, ये हम लोग की शादी की फ़ोटो, ये है ड्रेसिंग टेबल। और इसके अलावा पीछे एक आंगन है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको अपना पीछे का स्टोर। ये हाल हो रखा है स्टोर आंगन का। एक्चुअली पीछे चल रहा है काम, बिल्डिंग बन रही है तो सारी मिट्टी धूल वूल सब आती है। और ये है मेरा स्टोर, ये टेबल रखी हुई है स्टोर, ये लैपटॉप। लैपटॉप अपने कमरे में नहीं ले आता हूँ क्योंकि रिशु बहुत छेड़छाड़ करता है उसमें। और ये दरवाज़ा है और ये बाहर का एग्ज़िट भी है इधर से गैलरी के थ्रू। और सेम ऐसे ही बना हुआ ऊपर, बस फर्क ये है कि ड्राइंग रूम ऊपर का बड़ा है थोड़ा, क्योंकि पोर्च का एरिया भी कवर कर लेता है। और चलिए दिखाता हूँ अपने मम्मी पापा का कमरा। और ड्राइंग रूम से लगा हुआ है ये कमरा, ये मेरे मम्मी पापा का है कमरा। और ये लगी हुई है मेरे नाना की फ़ोटो। नाना मेरे MP थे लगभग 25 साल।
ये पार्लियामेंट की फोटो है। खाओ खाओ। वाओ ऋषु कैसा है पॉपकॉर्न? बहुत ही बढ़िया। बहुत ही बढ़िया ओके। हाँ बहुत टेस्टी लग रहा है भाई। हाँ तो एक ही चेयर में बैठ खा रहे थे। तो ये था मेरे छोटे से घर का टूर और अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय।